36 कोष्ठों में निर्दिष्ट औषधियों के वैज्ञानिक प्रभाव का वर्णन। महादेव जी कहते हैं, स्कंद, अब मैं 36 पदों में स्थापित की हुई औषधियों का फल बताता हूँ। इन औषधियों के सेवन से मनुष्यों का अमरीकरण होता है। ये औषध ब्रह्मा, रुद्र तथा इंद्र के द्वारा उपयोग में लाए गए हैं। हरित की, अक्षधात्री, मरीच, पिपली, सीफा, भिलावा, सुंठी, पिपली, गुडुची, वच, नीम, अड़ूषा, सतमूली, सेंधा नमक, सिंधुवार, कटेरी, गोखरू, बिल्व पत्र, पुनर्नवा, बला, रेण, मुंडी, रुचक, बिजौरा नींबू, दालचीनी, छार, परपट, धनिया, जीरा, सतपुष्पी, यवानी, अजवाइन, विडंग, बायबिडंग, खदीर, खैर, कृतमाल, अमलतास, हल्दी, वचा, सिद्धार्थ, सफ़ेद सरसों, ये 36 पदों स्थापित औषध है। क्रमशः 1, 2 आदि संख्या वाले ये महान औषध समस्त रोगों को दूर करने वाले तथा अमर बनाने वाले हैं। इतना ही नहीं, पूर्वोक्त सभी कोष्ठों के औषध शरीर में झुर्रियाँ नहीं पड़ने देते और बालों का पकना रोक देते हैं। इनका चूर्ण या इनके रस से भावित वटी, अवलेह, कसाय, लड्डू या गुड़, खांड यदि घी या मधु के साथ खाया जाए अथवा इनके रस से भावित घी या तेल का जिस किसी तरह से भी उपयोग किया जाए, वह सर्वथा मृत संजीवन, मुर्दे को भी जिलाने वाला होता है। आधे कर्ष या एक कर्ष भर अथवा आधे पल या एक पल के तोल में इसका उपयोग करने वाला पुरुष यथेष्ट आहार विहार में तत्पर होकर 300 वर्षों तक जीवित रहता है। मृत संजीवनी कल्प में इसके बढ़कर दूसरा कोई योग नहीं है।